हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैव केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बोरेन्स के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये सीखा था कि ट्रिक के बेसिस पे हम लोग बोरेन्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी। वो क्या देखी थी कि उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर बोरेन्स BnHn2+, BnHn, BnHn2-, BnHn4-, BnHn6-, BnHn8- और 10- अगर होता है तो करस्पॉन्डिंग के नेम क्या होते हैं? सुपर हाइपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो नीडो और एशन माइको एंड क्लैडो होते हैं, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक थी जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नॉमिनिक लेजेंड डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज यूज करते हैं वेट्स रूल। वेट्स रूल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिर्फ नॉमिनिक लेजर पूछा जाए तो आप ये ट्रिक लगा करके यहाँ पे क्लोजो नीडो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उस मॉलिक्यूल में, उस बोरेन्स में कितने स्केलेटन इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर को निकालने के लिए आपको वेट्स रूल आना चाहिए, ठीक है। बिना इसके आप स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं निकालेंगे। अगर आपको स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है फिर आप वेट्स रूल लगाएं। अगर केवल नॉमिनिक लेशन निकालना है तो आप ट्रिक के बेसिस पे आप उसका नॉमिनिक लेशन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों वेट्स रूल क्या होता है। वेट्स रूल क्या कहता है? तो वेट्स रूल यहां पे देखेंगे कि इस वेट्स रूल में किसके लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर बोरेन्स, बोरेन्स, बोरेन्स इन फाइंडिंग, इन फाइंडिंग स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए यूज किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन CSIR में है, उसमें स्केलेटल इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए देखेंगे कि पहला इसमें रूल है, ठीक है। तो वेट्स रूल क्या है? पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल आपका ये है कि ईच BH यूनिट, BH यूनिट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन फॉर स्केलेटल बॉन्डिंग। बात समझ में आई? इसमें अगर ईच BH यूनिट हो तो वो केवल दो इलेक्ट्रॉन यूज करता है स्केलेटल बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन यूज होंगे स्केलेटल बॉन्डिंग में। अगर एक BH यूनिट है तो वो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, बोरेन्स की बॉन्डिंग के लिए यूज करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए BH हम लोग लिखते हैं तो BH यूनिट में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करें, बोरान के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक हाइड्रोजन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 होगा। लेकिन BH बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन BH बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। तो देखिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन BH बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? बोरान के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे जो स्केलेटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो केवल ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो स्केलेटल बॉन्डिंग के लिए, स्केलेटल बॉन्डिंग के लिए यूज होते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि वेट्स रूल क्या होता है, ईच BH यूनिट कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन फॉर स्केलेटल बॉन्डिंग। सिमिलरली अगर यहां पे CH यूनिट हो, CH यूनिट हो तो CH यूनिट कितने कंट्रीब्यूट करेगा? हमें पता है कि यहां पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा बॉन्डिंग के लिए? ये 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, दैट इज CH यूनिट कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन फॉर स्केलेटल बॉन्डिंग, ठीक है। फिर इसमें क्या देखेंगे, इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये कि एक हाइड्रोजन जो है, ईच हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर स्केलेटल बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। वेट्स रूल क्या है कि बस BH यूनिट है, एक BH यूनिट 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और एक CH यूनिट 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। हाइड्रोजन जो है
वो वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, बस इतना सा ही यहाँ पे वेट्स रूल है। तो देखिए दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं, कैसे करे जाते हैं एग्जाम्पल्स के। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे वेट्स रूल हम लोगों ने पढ़ लिया कि वेट्स रूल क्या था कि ईच बीएच यूनिट दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगी और सीएच यूनिट थ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगी और हाइड्रोजन आइटम जो होगा वो वन इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इस वेट्स रूल को अप्लाई करके नॉमिनेचर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें एक चीज लिखेंगे कि वन साइड हम लोग लिखेंगे स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वन साइड स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे नोमेनक्लेचर नेम। ठीक है, इसमें जैसे यहां पे सीरीज हम लोगों ने बनाई थी सिमिलरली यहां पे भी ऐसी ही सीरीज होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या आप लिख सकते हैं n माइनस वन n n प्लस वन और n प्लस टू n प्लस थ्री और n प्लस फोर और n प्लस फाइव ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, वन वन जोड़ते चले जाइए। तो यहां पे n माइनस वन है, ठीक है, n माइनस वन n n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री n प्लस फोर, तो ऐसे ही नाम लिखे सबके सामने लिख दीजिए। तो ये क्या होगा, n माइनस वन वाला जो है वो क्या होता है, सुपर हाइपर क्लोजो होता है, सुपर हाइपर क्लोजो। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपर क्लोजो होगा, हाइपर क्लोजो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट होगा ये क्लोजो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, नीडो होगा, क्लोजो नीडो। फिर क्या होगा, ये होगा अरेचिनो, और उसके बाद क्या होगा अरेचिनो, फिर होगा हाइफो एंड लास्ट होगा आपका क्लैडो। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग इसका नॉमिनेचर निकाल सकते हैं, चाहे हम ऐसे निकाल लें और चाहे हम इस तरह से इसका नॉमिनेचर निकालें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी एग्जाम्पल होगा उसको पहले हम इस रूल से चेक कर लेंगे उसका क्लोजो नीडो क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, उसके बाद भी हम क्लोजो नीडो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे इसको हम लोग निकालते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए गए हैं और आपको उनका नॉमिनेचर बताना है और साथ ही साथ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे लिखा है C2B4H8, इस मॉलिक्यूल में हमको पता है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो कार्बन, देखिए कार्बन लिखा हुआ है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन में हमें मालूम है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बीएच यूनिट देखिए उसमें भी फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बोर टी थ्री बोरान के और वन हाइड्रोजन का। तो यहां पे ये दोनों एक दूसरे के आइसोलोगल होंगे, दैट इज एक दूसरे कार्बन को हम किससे रिप्लेस करेंगे, बीएच यूनिट से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं बीएच ट्वाइस बी फोर एच एट लिख दिया। ठीक है, अब इसको इसमें ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सिक्स एच टेन हो जाएगा। ठीक है, B6H10। अब इस B6H10 मॉलिक्यूल को हमें पता है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, B6H6 4-। अब ये 4- वाला क्या होता है, यहां आप देख सकते हैं 4- वाला नीडो होता है, तो इसको हमने कह दिया ये क्या होगा, नीडो होगा। ठीक है, ये तो ऐसे निकाल लिया, यहाँ पे हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि क्लोज होगा नीडो होगा। अब इसके लिए हम लोग जो वेट्स रूल लगाएंगे इस एग्जाम्पल के लिए, तो इस एग्जाम्पल में देखें कि क्या लिखे, C2B4H8 मॉलिक्यूल को हमने किसमें कन्वर्ट किया है, B6H10 मॉलिक्यूल में इसमें कन्वर्ट किया। अब इसमें देखिए बीएच यूनिट कितने होंगे, देखिए अगर इसमें से बीएच यूनिट हम निकालें, 6 बोरान आइटम है 10 हाइड्रोजन आइटम, तो इसमें हो जाएंगे 6 बीएच यूनिट। ठीक है, 6 बीएच यूनिट है, वो कितने के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 1 बीएच यूनिट 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ पे 6 बीएच यूनिट होंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 6 बीएच यूनिट हो गए, अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बचेंगे तो 4 हाइड्रोजन लिखेंगे ऐसे, तो 4 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है,
तो इसका हम सम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दैट इज स्केलेटल इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने होंगे, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे 16, ठीक है। या इसी को हम स्केलेटल इलेक्ट्रॉन को टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो 16 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो जाएंगे, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन पेयर में हम अब देखें कि बोरॉन एटम कितने हैं यहाँ पे, 6 है और 8 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो कॉर्नर इसमें से हम घटा देंगे, तो इसमें हम इसको हम लिख सकते हैं 6 कॉर्नर है तो इसको हम लिखेंगे 6, 8 में से 6 गया, 8 में से 6 हमने घटा लिया तो 2 रिमाइंडर बचा, तो 2 को हम इसमें जोड़ देंगे, तो इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 6+2, दैट इज 6 बोरॉन एटम, 6 वर्टेक्स होंगे और +2 ऐड कर दिए, तो ये किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, N+2 फॉर्मूले से करस्पॉन्ड कर रहा है, और N+2 वाला जो फॉर्मूला होता है वो किसके लिए होता है, नीडो के लिए। तो ये आपका क्या आ गया, नीडो आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, तो ये आपका नीडो आ गया। अब ये सवाल ये उठता है कि अगर हम ऐसे निकाल सकते थे शॉर्टकट तरीके से, तो ऐसे निकालने की क्या जरूरत है। ऐसे निकालने की जरूरत इसलिए है कि अगर एग्जाम में आपसे स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर पूछ लिए जाए तब हम इस मेथड को ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी स्केलेटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16, और स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो होंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है आपका, CpB10H11। इस मॉलिक्यूल में हम देखेंगे कि कार्बन एटम है, कार्बन एटम को हम किससे रिप्लेस करते हैं, BH यूनिट से। अब यहाँ पे देखिए फास्फोरस एटम लिखा हुआ है, तो फास्फोरस एटम के लिए हमें पता है कि फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर हम इसमें कर दें BH2 यूनिट कर दें, तो BH यूनिट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, तो ये हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक दूसरे के आइसोलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, BH कार्बन को, और जो फास्फोरस है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, BH2 यूनिट से। फिर लिख दिया B10H11, ऐसे लिख दिया। फिर इसको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो बोरान एटम कितने हो जाएंगे, B12 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, H3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे H14 हो जाएंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, B12H12 2- लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, B12H12 2-, दैट इज ये किससे करस्पॉन्ड कर रहा है आपका, क्लोजो से। तो ये एग्जाम्पल आपका क्लोजो हो गया, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल में स्केलेटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, तो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन के लिए हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, इस मॉलिक्यूल को CpB10H11 को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, B12H12 में, ठीक है। हमें मालूम है B12H12 एक क्लोजो होता है। अब इसके इलेक्ट्रॉन पेयर में निकालने हैं, तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग ये वाला ना लिख करके इसको हम क्या लिखेंगे, B12H14। तो यहां देखें कि B12H14 में कितनी BH यूनिट होंगी, 12 BH यूनिट होंगी, ठीक है। 12 BH यूनिट जो है, एक BH यूनिट 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 12 BH यूनिट जो है कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, BH यूनिट 24 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर 12 BH यूनिट यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन बचेंगे, 2 हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा आपका, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो 26 इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर हम देखें, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, इसका 26 अपॉन 2 कर देंगे तो ये 13 हो जाएंगे, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 13 हो गए। तो इस 13 को हम क्या कर लिखेंगे, इस 13 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 कॉर्नर है, बोरान आइटम है 12 और 13 आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 12+1, टोटल सम कितना हो गया, 13 हो गया। ये किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, N+1 फॉर्मूले से, और N+1 फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूले से हमें सेम आ रहा है, बस से हम क्या कर सकते हैं,
स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा है, B3H7FeCO3 twice। ये मेटलोबोरेन्स है। मेटलोबोरेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जाम में ज्यादातर मेटलोबोरेन्स ही पूछा जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, B3H7 मॉलिक्यूल को ऐसे ही लिख लेंगे, B3H7। इस मॉइटी को क्या लिखेंगे, अब इस मॉइटी के लिए हमें मालूम है कि BFeCO3 लिखा हुआ है। ठीक है, इस मॉइटी में हमें पता है कि आयरन एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। आयरन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। अब ये कार्बोनिल लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड हमेशा ही 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, 3 कार्बोनिल लिगेंड है तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6। तो ये हो जाएगा टोटल सम, इसका कर दें तो आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन, दैट इज यहाँ पे 4 लेस इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम 18 से, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 18 से 4 कम। इसी सिमिलरली अगर हम BH यूनिट देखें उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं BH यूनिट में। ठीक है, तो यहां पे भी देखेंगे कि ये 4 लेस है, 4 इलेक्ट्रॉन लेस फ्रॉम ऑक्टेट, ऑक्टेट से 4 इलेक्ट्रॉन कम है, यहां पे ऑक्टेट से 4 इलेक्ट्रॉन कम है और यहां पे 18 से 4 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोलोबल हो गए। दैट इज इस वाली यूनिट जो है FeCO होल थ्राइस की जो यूनिट है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं BH यूनिट से। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, BH होल ट्वाइस लिखेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये बोरान एटम कितने हो जाएंगे, 5। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, B5 हो गया। हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम 9 हो गए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं B5H5, 4 माइनस आएगा और 4 माइनस किसके लिए होता है, नीडो के। ठीक है, तो ये भी आपका नीडो आ गया। अब इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं जिस तरह से इसको हमने निकाला। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ तो देखिए दोस्तों ये नीडो आ गया आपका। अब इसमें हम क्या करें, इस मॉइटी को हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं B5H9। अब B5H9 मॉलिक्यूल में कितने BH यूनिट होंगे, 5 BH यूनिट। अब 5 BH यूनिट कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, 2 × 5 = 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बच गया, 4 हाइड्रोजन बच गए। तो 4 हाइड्रोजन जो होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेंगे, टोटल सम कर देंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दैट इज टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो आपका 14 आ गया। ठीक है, ये 14 इलेक्ट्रॉन स्केलेटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, कॉर्नर कितने हैं, 5। तो इसमें हम 7 में से 5 माइनस करें। ठीक है, तो 5 माइनस करें तो 2 बचेगा, 2 हम यहां पे जोड़ दें तो ये 5 कॉर्नर हो गए बोरॉन एटम के, और 2 एक्स्ट्रा जो रिमाइंडर बच गया वो इसमें हमने सम कर दिया। तो इसके लिए ये किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, N+2 फॉर्मूले से, और N+2 वाला फॉर्मूला क्या होता है, नीडो होता है। N+2 वाला फॉर्मूला क्या होता है, नीडो होता है। सिमिलरली बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये जो लिखा हुआ है आपका C2B7CO3 thrice। अब यहां पे इस मॉइटी में हमें क्या मालूम है कि C लिखा हुआ है, कार्बन। कार्बन जो है वो किससे आइसोलोबल है, BH यूनिट से। तो कार्बन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BH whole twice B7। अब ये जो COCP लिखा हुआ है ये कैसे हम लोग करेंगे, COCP के लिए क्या करेंगे, देखिए कोबाल्ट COCP लिखा हुआ। अब यहां हमें मालूम है जो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है, CP क्या है, ये साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है। अब साइक्लोपेंटाडाइन रिंग में जितने जो न्यूट्रल मैथड हम लोग लगाते हैं उसमें 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होता है, तो कोबाल्ट एटम में 9 इलेक्ट्रॉन प्लस साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन। अभी 14 इलेक्ट्रॉन है मतलब कि 18 से 4 कम है। सिमिलरली BH यूनिट जो है उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज ये दोनों एक दूसरे के आइसोलोबल हो गए। यहां पे कितने हो गए, कोबाल्ट में 9 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के लिए, टोटल सम कर दिया 14 हो गया जो कि 18 से 4 कम है। यहां BH यूनिट में देखें, BH यूनिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं जो कि ऑक्टेट से 4 कम है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोलोबल हो गए। दैट इज इस COCP यूनिट को हम लोग BH यूनिट से रिप्लेस कर सकते हैं। BH यूनिट से रिप्लेस कर रहे हैं तो टोटल सम कितना हो जाएगा, यहां पे आप देखिए 2 बोरॉन एटम इसके और 3 इसके, 5 हो गए, 5 और
और इसमें 7 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन 5, 5 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, ओ सॉरी यहां पे तो H7 भी है, तो यहां पे देखेंगे जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है इसमें क्या है, C2B7H9 है। ठीक है, C2B7H9, तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए C2 को हमने क्या लिखा, BH2। ठीक है, C2 को लिखा BH2, B7H9, और हमने COCP को हमने क्या लिख दिया, BH3। अब इसको हम जब सम करके लिखें तो बोरान आइटम यहां पे 2 बोरान ये, 3 ये, 5। ठीक है, 5 और 7 इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आइटम कितने होंगे, 9 + 3 12 + 2 14, ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे 14 हो जाएगा, अब इस 14 में कितनी BH यूनिट होगी, तो 12 BH यूनिट होगी, इसमें क्या होगा, 12 BH यूनिट जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगी, 12 × 2 = 24। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपका 26 आ गया। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा आपका 13, और 13 या कौन कितने हैं, 12, 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 + 1, और 12 + 1 किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, N+1 रूल से, और N+1 वाला क्या होता है, क्लोज होता है, तो ये आपका आ गया क्लोज। ठीक है, तो आपको ये इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको आपको वेट्स रूल के से क्लासिफाई करना है, इसमें इस बस स्केलेटल इलेक्ट्रॉन भी निकल, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए ये लिखा हुआ है C2B4H6NI, हमको पता है कि यहाँ पे जो सी कार्बन एटम है, कार्बन एटम किसके आइसोलेबल होता है, तो कार्बन एटम हमें मालूम है कि BH यूनिट के आइसोलेबल होता है, BH2 लिखेगा। ठीक है, कार्बन को हमने BH से रिप्लेस कर लिया, और बोरान एटम को हमने ऐसे लिख लिया B4, और हाइड्रोजन को ऐसे लिख लिया B6। यहाँ पे जो मॉइटी लिखी हुई है कौन सी, वो मॉइटी है देखिए यहाँ पे जो मॉइटी लिखी है, क्या मॉइटी है, वो NiPPH3 का होल्डराइस, ये मॉइटी। अब यहाँ पे ये कैसे होगा, निकिल के केस में अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक फॉस्फीन PPH3 लिखा हुआ, तो ये फॉस्फीन एटम जो है वो निकिल को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सिमिलरली यहाँ पे PPH3 लिखा हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ट्राइफेनाइल फॉस्फीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि निकिल के 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसके प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन लेस फ्रॉम 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कम है। अब BH यूनिट को देखेंगे तो BH यूनिट जो होती है उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन लेस फ्रॉम ऑक्टेट, ऑक्टेट से 4 कम है, तो ये एक दूसरे क्या होगा, आइसोलेबल, तो इसको हम लोग BH यूनिट से रिप्लेस करेंगे, दैट इज इसको हम लोग लिखें BH का होल ड्राइस। ठीक है, इसका सम कर दें सब, बोरान आइटम कितने हैं, 4 + 6 = 6 = 2 = 8, तो B8 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 + 6 = 8 + 8 = 10, तो ये हो गया हाइड्रोजन आइटम 10 हो गया। इसको हम लोग क्या लिखें, B10H10 हो गया, B10H10 में कितनी BH यूनिट होंगी, 8 BH यूनिट होंगी, और ईच BH यूनिट 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज 2 × 8, दिस इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे 8 BH यूनिट से माइनस कर दिया तो 2 हाइड्रोजन बच गया है, 2 हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, टोटल सम कर दे तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट इज टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो आपका 18 आ गया, यही स्केलेटल इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे। अब 9 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में यहां कॉर्नर देखिए कितने हैं, 8 है, तो इस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 कॉर्नर लिखिए, 8 कॉर्नर, तो 9 में कितना बचा, 1, तो 1 इसमें प्लस कर दिया, तो 8 कॉर्नर हो गए, 9 से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 प्लस कर दिया, ठीक इससे करस्पॉन्ड कर रहा है, एन प्लस वन फॉर्मूले से करस्पॉन्ड कर रहा है, और एन प्लस वन वाला जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, क्लोजो का होता है, तो दैट इज ये जो होगा आपका वो क्लोजो हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ये है एग्जाम्पल B9H8NiCp। अब NiCp लिखा हुआ है, निकिल है, तो निकिल आइटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं, सीपी लिगैंड ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्योंकि इसकी एप्टिसिटी यहाँ पे 5 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर सम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो NiCp मॉलिक्यूल हमें पता है कि NiCp मॉलिक्यूल में 15 इलेक्ट्रॉन है जो कि 18 से 3 कम है। अगर हम BH2 यूनिट देखें तो उसमें बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 से 3 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे ऑक्टेट से 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोलोबल होंगे और रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या लिखेंगे, B9H8 और BH2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग सम कर दें, तो सम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका B10 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, H10 हो जाएंगे, B10H10 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये B10H10 हो गया, B10H10 हो गया। अब इसमें देखेंगे इस B10H10 में 10 BH यूनिट होंगी, 10 BH यूनिट का मतलब है 10 × 2, दिस इज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, कोई हाइड्रोजन रिमेनिंग नहीं बचा, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, यही क्या हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पे हो गए 20। तो इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे और 10 कॉर्नर्स है, 10 इलेक्ट्रॉन पेयर 10 कॉर्नर्स, दैट इज इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, N+0, या हम कह सकते हैं एन की फॉर्म में, N+0 या N की फॉर्म में है, तो N की फॉर्म में है तो ये क्या होगा, हाइपर क्लोज होगा। तो इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, हाइपर क्लोज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, C2B9H11RuCO3। सबसे पहले हम लोग क्या करें, RuCO3 मॉलिक्यूल जो मॉइटी है, ये जो मॉइटी है, तो RuCO3 जो होता है, RuCO3 ये किस ग्रुप में आता है, रुदेनियम जो एटम है वो आता है आपका आयरन फैमिली में, और आयरन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो आयरन के रुदेनियम के 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 कार्बन लिगैंड लिखे हुए हैं, तो 3 से 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सम कर देंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 18 से 4 कम है। अब बीएच यूनिट देखेंगे तो बीएच यूनिट में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक दूसरे के आइसोलोबल हो गए, यहाँ पे 14 है, 18 से 4 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे 4 है, दैट इज ऑक्टेट से 4 इलेक्ट्रॉन कम है, एक दूसरे के ये आइसोलोबल हो गए, तो इसको भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे बीएच यूनिट से। कार्बन को किससे रिप्लेस करते हैं, बीएच यूनिट से, तो बीएच का ट्वाइस, B9H11 हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बीएच लिख देंगे, ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे, तो बोरान एटम कितने हो जाएंगे, 9, 2, 11 और 1, 12, तो ये हो जाएंगे B12। हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, 11, 2, 13, 1, 14, तो H14 हो गए। अब इस H14 मॉलिक्यूल में 12 बीएच यूनिट होंगी, 12 BH यूनिट से 24 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, 12 BH यूनिट से 24 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इस 12 BH यूनिट में 24 इलेक्ट्रॉन आ गए, हाइड्रोजन कितने बचे, 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसमें जब टोटल सम कर देंगे तो सम कितना हो जाएगा, 26, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो आपका 26 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके हो जाएंगे 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर कितना है, 12, तो इसमें से 13 से 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1 कर देंगे प्लस का, तो ये हो जाएगा N+1 से करस्पॉन्ड करेगा, और N+1
एन प्लस वन वाला क्या होता है, क्लोज होम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज होम, दैट इज ये वाला जो मैथड है वो आपका हो जाएगा क्लोज होम। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्लोजोनिडो ज्योमेट्री के, क्लोजोनिडो नाम के लेक्चर के साथ साथ उनकी करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।